मेरा फोटो क्यों कर रहे हो? कैसे हो मैडम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिन के बाद फोटो क्यों कर रहे हो? बस ऐसी पैप पैप है? पैप है ना, पैप हम लोग क्या है? पैप पापा रहती है। हाँ, इसके लिए यहाँ पे क्या जिम भी है ना ऊपर, जिम और क्लिनिक। अच्छा, राखी यही आती है? हाँ, यही जिम में आपकी फ्रेंड। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं अभी मैंने यहाँ पे कुछ वो डांस वगैरह का ज्वाइन किया तो कुछ रिहर्सल वगैरह करने आती हूँ, बट आई डिडंट नो कि राखी भी यहाँ पे आती है। बहुत लोग आते हैं। आई है क्या? हाँ, अभी आने वाले, आधे घंटे में आने वाली है। उसको बोलना मैं यही हूँ, मिल के जाए। और संभव है जी, आपके घर में कल एक स्टोरी देखा था आपने, पोस्ट किए थे, कुछ नया मेहमान आया। क्या कहना चाहिए? नया कोको आया मेरी जिंदगी में लौट के, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। जो लोग हम लोगों से कनेक्टेड हैं वो लोग जानते हैं कि मेरे क्या इमोशंस थे कोको के लिए, और ये जो नया बच्चा आया ना, ये बड़ी खुशियां लेके आया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, बड़ी एक्साइटेड हूँ। बहुत कुछ अंदर अभी भी चल रहा है, बट वो निकालते हुए मैंने कहा थोड़ी सी रिहर्सल भी करके आऊँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा वेट लॉस का भी प्रोग्राम मेरा चल रहा है, तो वो लगी हुई हूँ मैं। कुछ फर्क दिख रहा है कि नहीं अभी तक? थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है। हाँ, थोड़ा दिख रहा है ना, बहुत दिखना चाहिए। अब संभावना जी, आपका व्लॉग कैसे चल रहा है अभी? कुछ आने व्लॉग्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। बहुत मैंने कहा ना, व्लॉग से ना मेरी जिंदगी चेंज हो गई। जितनी नफरत मेरे को बिग बॉस में मिली थी ना, उतना ही प्यार मुझे अब मेरे व्लॉग से मिल रहा है। और वो मेरे ना सब्सक्राइबर्स नहीं है, मेरी फैमिली, मैं मानती हूँ उनको मेरी फैमिली है बिल्कुल। मतलब एक एक चीज़ जानते हैं, एक एक चीज़ मुझे गाइडेंस बहुत अच्छी देते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। बड़ा मज़ा, मैं बहुत मज़ा ले रही हूँ लाइफ का। दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। अम्बाजी, बिग बॉस की बात को तो कितना फॉलो कर रहे हो? OTT बिग बॉस जो चालू हुआ है, बिग बॉस ना? हाँ, OTT पे। इस बार क्या, लास्ट टाइम का भी मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा, मतलब नॉट इवन द स्टार्टिंग। कहते ना जो लोग अंदर गए, एक पुनीत लड़का है। हाँ, 12 दिन में निकाल दिया था हमको। 12 दिन में नहीं, 12 से 10 दिन में। नहीं नहीं, पहले दिन ही निकल गया ना पुनीत सुपरस्टार। हाँ, पुनीत। हाँ, वही एक अच्छा लगा था मुझे, वही कैरेक्टर मुझे सबसे अच्छा लगा था, क्योंकि वो मुझे जब बाहर आ गया ना तब मुझे मालूम पड़ा। अच्छा, तो उसके काफ़ी सारे चीज़ें वायरल हुई, और जब वायरल हुई तो मैंने नोटिस किया कि यार ये लड़का बड़ा कमाल का था मटेरियल बिग बॉस के लिए। पता नहीं वो क्यों निकल गया, व्हाटएवर फॉर व्हाटएवर रीजन, बट आई रियली लाइक दैट बॉय। मुझे बड़ा मज़ा आया एक्चुअली कॉन्टेंट के लिए। बाकी बिग बॉस तो कॉन्टेंट ही है, और क्या, उनको भी ड्रामा चाहिए था, निकाला क्यों? ड्रामा ही तो चाहिए होता है उनको, नया कोई ओरिजिनल क्या चाहिए होता है उनको, सबको ड्रामा चाहिए होता है। तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से पुनीत को नहीं निकालना चाहिए था, पुनीत शुड हैव बीन इन बिग बॉस। और अगर वो आ गए तो मुझे पता नहीं है, बिकॉज मैं बिग बॉस देख नहीं रही। अच्छा, बिल्कुल ही नहीं देखा। मैंने बहुत तारीफ सुनी है पूजा भट्ट की। हाँ, बहुत तारीफ सुनी है, लेकिन मुझे, मेरे को कुछ भी पता नहीं है, बट आई थिंक आई शुड वॉच बिग बॉस फॉर पूजा भट्ट स्पेशली, क्योंकि मैं उस लड़की की बहुत तारीफ सुनी हूँ। एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी बिग एडमायरर ऑफ पूजा भट्ट। मुझे मतलब हमारे स्कूल टाइम से मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और बहुत उसके ना बाल वाल हम लोग फॉलो करते थे, मेरी वैसे कर्ली बाल हुआ करते थे, और मुझे सब लोग कहते थे अरे पूजा भट्ट जैसी लगती हो। तो मैं बहुत पूजा भट्ट को मैंने बहुत फॉलो किया है, सो आई रियली लाइक हर। एंड जितना जिस तरीके की वो निकल के आ रही है बिग बॉस में, आई थिंक पीपल आर लाइकिंग हर, एंड आई ऑलवेज लाइक हर, बट आई स्टिल हैव टू वॉच बिग बॉस टू नो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मैंने नहीं देखा है। अच्छा, बिग बॉस में अभी जो आकांक्षा पुरी का चल रहा था, तो क्या लगता है आपको, जो किसी किसका आपने क्लिप देखे ना आकांक्षा पुरी का, किस? हाँ, बिग बॉस में जो हुआ, क्योंकि ये सही है, क्योंकि ये OTT है। हाँ, और आप फैमिली भी रहते हैं, बच्चे भी देखते हैं। अच्छा, किस, हाँ, किस हाँ, है? यस यस, तो क्या लगता है आपको ये ऐसा? यार देखो, अभी ना बिग बॉस में भी वही हो गया कि क्या हो गया, तो बिग बॉस में ना एक्चुअली अभी कुछ भी चलता है, तो मैंने कहा ना जब कुछ भी चलता है तो फिर भाई पुनीत को क्यों निकाला? पुनीत तो TRP था बिग बॉस का, और आई रियली होप कि यार पुनीत वापस आ जाए बिग बॉस में। शायद मैं उसके कारण देखना शुरू कर दूँ, शायद मैं उसके कारण देखूं, क्योंकि जो भी बाहर उसके आने के बाद क्लिप्स दिखे, जो थोड़े बहुत, मुझे बड़ा एंटरटेनिंग लगा वो लड़का, बहुत एंटरटेनिंग लगा, मुझे बहुत मजा आया। पुनीत सुपरस्टार ना? सुपरस्टार का, अपने आप को सुपरस्टार खुद ही बोल दिया, यही होना चाहिए, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। और आपके फैंस, प्यारे फैंस के लिए कुछ बोल दीजिए क्या? यार मैं, मेरे फैंस नहीं, मैं सभी को ये बोलूंगी, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, अगर बिग बॉस देख रहे हो, पूजा भट्ट को डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए, और पुनीत, अगर पुनीत चला जाए ना अंदर, तो पुनीत को बहुत सपोर्ट कर देना, मैं तो डेफिनेटली करूंगी। थैंक यू।
आप लोग ऐसे इधर ही होते या मैम, हम लोग घूमते रहते हैं ना एक्चुअली, आपकी आवाज देखा इसलिए मैं आपको आवाज दिया, इधर फोन कर बाजी में हम लोग बैठे थे। राखी आने वाली, राखी के बारे में क्या बोलूंगी, राखी आएगी तो मैं उसको बोलूंगी। कहाँ है राखी? आ रही है, प्लीज उसको बोलना, मैसेज देना, मैं यहीं पे हूँ, मिलके जाए। ठीक है, मैं यही।